जाएगी। आप क्या कर रहे? तो है गाइस, हम आगे एक नए वीडियो के साथ, और आज हम लोग एक अच्छा एक स्पेशल फ्लेवर बना बनाएंगे हम लोग। तो मेरा एक ये क्या बोलते हैं नाकी बागा में मेरे एक फ्रेंड है, तो नाकी बागा फ्रेंड में डिमांड था उनका कि जैक भाई एक अच्छा एक हुक्का ऐसा बताइए कि जिसमें तीन पान का मिक्सिंग हो और पीने मजा आए, और तो उनके लिए वीडियो आ गया है। तो भाई नाकी बागा मेरा दोस्त मेरा भाई, आपके लिए वीडियो है। तो तीन पान का मिक्सिंग में हम आज हम लोग बनाएंगे तीन पान गम। तो तीन पान गम आप पूरा देख लीजिए रेसिपी कैसे क्या बनता है, कितना क्वांटिटी में जाता है, कितना परसेंटेज आएगा, कैसा आता है फ्लेवर, कैसा डेंस आता है, कैसे घर पे बनाएंगे, कैफे वाला हुक्का, कैफे वाला फील, कैफे वाला सारा कुछ आप घर पे कैसे बनाएंगे। तो आप मेरा ये वीडियो आप देख लीजिएगा, ये आप ही के लिए था। और मेरे भाई ये कट्टर हिंदू मेरे भाई, तो वो बोले थे कि भैया जैक भाई एक ऐसा चीज बताइए अपना कैफे कैसे खोले। तो अपना कैफे कैसे खोले आप स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, दो चार वीडियो के नीचे में ही मेरा एक वीडियो होगा, वो पूरा प्रॉपर कैफे के ऊपर ही वीडियो बनाए हुए हैं, आप चेक कर लीजिएगा कैफे कैसे खोलना है। बस नॉर्मल आपको बस 5-10 लाख रुपए कुछ लगता है, 5-6 लाख लगता है, आप आराम से अपना कैफे खोल सकते हैं। मैनेजर रख लेना है, एक अच्छा हुक्का मेकर रख लेना है, एक अच्छा सेफ रख लेना है, एक अच्छा मॉकटेल मेकर रख लेना है, बस वो लोग बस अच्छा रखिएगा, आज आपका कैफे जो है वो एक अच्छा हुक्का पे चलेगा। तो एक अच्छा हुक्का को हुक्का मेकर को ही आप हायर कीजिएगा जो अच्छा प्रोफेशनल हो, नया बंदा किसी को मत रखिएगा, क्योंकि आपको बिजनेस को बड़ा करना है और आपका हुक्का का आपका नाम बनाना है, तो इसलिए आप एक अच्छा हुक्का मेकर रखिएगा। बस यही है कट्टर हिंदू मेरा भाई। तो आप पूछ रहे तो आपके लिए बता दिया हम। तो कट्टर हिंदू मेरा भाई, आप एक और चीज पूछ रहे थे कि भैया ये एक अच्छा फ्लेवर बताइए जिसमें नशा ना हो, तो नशा के नहीं होगा ये फ्लेवर हम लेके आ गए आपके लिए भी, ये आपके लिए भी वीडियो है। तो तीन पान गम जिसमें नशा नहीं होगा, क्योंकि गम का फ्लेवर है, गम से ज़्यादा डेंस आता है, ज़्यादा स्मोक आता है, तो ज़्यादा डेंस के लिए ज़्यादा स्मोक के लिए हम लोग आ गए हैं। तो आइए फटाफट ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम लोग अपना वीडियो में आते हैं। देख लीजिए ये है मीडियम साइज का चिलम, ठीक है, तो ये ले लेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग तीन पान लेंगे, ये रहा तीन पान, और हम लोग गम लेंगे गम फ्लेवर, ये रहा गम, ठीक है, अल्फाज कंपनी का गम यूज करते हैं, आप फकीर भी ले सकते हैं, इससे थोड़ा सा अच्छा आता है, चाहे इसके तरह ही होता है। तो देख लीजिए गम आपको लेना है 50%, और तीन पान आपको हमेशा कभी भी कोई भी फ्लेवर बनाइए आप लोग, कोई भी फ्लेवर बनाइए तीन पान हमेशा आपको 5% से 10% लेना है, ठीक है, 5% से 10%, देख लीजिए आप एक उंगली में कितना आ रहा है, थोड़ा सा टच लेना है, बोलने का मतलब है थोड़ा सा टच लेना है, 5% से 10% थोड़ा सा टच इतना ले लीजिएगा, और बाकी आपका हुक्का अच्छा बनेगा। और इसमें हम हल्का सा मिंट हम लोग इसमें मिलाएंगे, तो ये रहा मिंट, ठीक है, मिंट हल्का सा इसमें टच कर दीजिएगा एक चिलम के हिसाब से, ठीक है। तो ये आ गया 50%, ये आ गया 10%, 60%, ये हो गया 40%, देख लीजिए। बस इसको अच्छे से मिक्सिंग करेंगे हम लोग, प्रॉपर एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे, और आप तो चाहेंगे तो थोड़ा सा भी रस भी दे सकते हैं, रस हमेशा रखिएगा। देखिए जैसे हम रस ले रहे हैं, फ्लेवर तो नहीं लेना हम लोग को, ठीक है, देखिए रस ले लिया हल्का सा, थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर के लिए। और मिंट और जो गम होता है वो उसको ये थोड़ा मोटा होता है, देख लीजिए इसका जो पत्ता आता है थोड़ा मोटा मोटा आता है, देख लीजिए, तो इसको थोड़ा कट कर लेंगे हम लोग, देख लीजिए प्रॉपर इसको कट कर लेना हम लोग को, देख लीजिए अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको चीला फिलअप करेंगे, हमेशा फ्लेवर में फ्लेवर जो है जो चीला में जो फ्लेवर है उसको हमेशा ऊपर से फिलअप करेंगे, देख लीजिए ये फ्लेवर अच्छे से हम इसको फिलअप कर दे रहे हैं ऊपर से, आपको दबा के फिलअप नहीं करना, देख लीजिएगा ऐसे ऐसे दबा के नहीं करना है, ऊपर से फिलअप कर देंगे एक चिलम के हिसाब से आपको लेना फ्लेवर, देख लीजिए, और इसको हल्का सा साइड करेंगे सारा फ्लेवर को कॉर्नर पर कर देंगे, बीच में 4-5 जो होल होता है, 4-5 होल जो होता है, वो 4-5 होल जो है वो पूरा क्लियर होना चाहिए सेंटर से, ठीक है, देखिए सेंटर को पूरा क्लियर कर लिए, और इसको हल्का हल्का नीचे इसका रखेंगे फ्लेवर को, हल्का हल्का ये उंगली के हिसाब से, देख लीजिए हल्का हल्का उंगली के हिसाब से आपको हल्का सा उंगली के सहारे आपको हल्का हल्का फ्लेवर को नीचे रखना है, देख लीजिए इसको हम नीचे रख दिए हैं, ये हमारा फ्लेवर चीला हमारा रेडी है, और पूरा परफेक्ट हमारा एकदम तीन पान गम और इसमें मिंट टच एकदम हमारा हुक्का रेडी है, बिना कोई दिक्कत का, बिना कोई प्रॉब्लम का, देख लीजिए मस्त रेडी है, ये हमारा आ गया चिलम। देख लीजिए इसको फूक मार लेंगे, 4-5 जो होल होता है क्लियर कर लेंगे, देख लीजिए एकदम ऐसे आपको बनाना है, हमेशा चिलम हल्का सा नीचे में फ्लेवर रहेगा,
ताकि ताकि चोक ना करे, ताकि फॉयल जो है फ्लेवर में सटे ना, ताकि जले ना। देख लीजिए मस्त बन गया हमारा चिरम। आइए इसको पिनअप करेंगे, साइड फोल्ड करेंगे, वो भी सिखाते हैं आपको हम मेरे वीडियो में। तो चलिए देख लीजिए, ये फॉयल जो है ताज कंपनी का आता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉयल होता है, ठीक है, ताज कंपनी का अच्छा आता है, तो आप इसको आप यूज कर सकते हैं घर पे आराम से ले लेंगे। 300-400 का आता है, आराम से आपका कम से कम 6 महीने तक चलेगा आप घर पे पी रहे। तो देख लीजिए, तो ये वाला जो फॉयल है आपको डबल यूज करना है, ठीक है, दो पीस यूज करना है, एक मत यूज कीजिएगा, ये थोड़ा पतला आता है, तो डबल इसको यूज करना है। देख लीजिए डबल रैप कर लिए हम लोग, करने के बाद रैप करने के बाद एक पिन ले लेंगे। आप ये घर पे पिन आप रख लीजिएगा अच्छे ऊपर के लिए। इसको 50-60 होल करना है, देख लीजिए, देखिए सर्कल से पूरा एकदम राउंड हम लोग को जाते रहना है, पूरा कवर करना है पूरा चिरम को, कहीं भी होल जो है खाली ना रहे, बच ना जाए, छूटे ना। देख लीजिए ये हमारा मस्त रेडी है चिरम, देख लीजिए मस्त पिनअप रेडी है हमारा। तो ये देखिए, ये आ गया हमारा पिनअप, आ गया पूरा प्रॉपर पिनअप, एकदम राउंड सर्कल पे जाना है, इधर उधर इधर उधर इधर इधर उधर कहीं नहीं करना है, सारा राउंड सर्कल में जाएगा। 50-60 होल होगा और प्रॉपर होगा, देख लीजिए एकदम, तभी स्मोक आएगा। 50-60 आप होल करेंगे आपका, आप कितना भी अच्छा होगा बना लीजिए, डेंस नहीं आएगा, स्मोक नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या वो ऑलरेडी जाम हो गया उसमें, वो बाहर निकलने का और उसमें स्मोक का डेंस का हवा ही कम हो गया, ठीक है। देख लीजिए ये रेडी है हमारा, तो आइए इसको साइड फुल करते हैं। देखिए हम ये हम ले लेंगे इतना बड़ा, ठीक है, कॉइल ले लेंगे, एक साइड रखेंगे इसको, हम लोग हल्का हल्का स्लोली स्लोली राउंड करेंगे। देख लीजिए मस्त रेडी हो गया हमारा, देख लीजिए, देखिए साइड फोल हमारा रेडी है। साइड फोल से क्या होता है कि अच्छा स्मोक आता है, अच्छा डेंस आता है, तो धुआं अच्छा आता है, क्योंकि ये बाहर का धुआं अंदर नहीं आता है, अंदर का धुआं बाहर नहीं आता है, तो इसके वजह से अच्छा फ्लेवर आता है, अच्छा डेंस आता है, स्मोक आता है। आप एसी में पीजिए, कहीं पीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ऐसे आप जरूर रैप कर लीजिएगा, देखने में अच्छा लगता है। दोस्तों के संग में, फ्रेंडों के संग में, फैमिली के संग में कहीं भी आप हुक्का पियेंगे तो जरूर आप बता दीजिएगा कि हाँ जैक भाई का हुक्का से, जैक भाई का वीडियो से, मैं वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा उन मेरे भाइयों को, जिन मेरे भाइयों को मेरा बहुत जरूरत है, उन जिनको हुक्का सीखना है, हुक्का जानना है, तो आप मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और ऐसा ऐसा वीडियो हमेशा आते रहेगा, आप देखते रहिएगा, कुछ भी दिक्कत हो हुक्का में, कुछ भी प्रॉब्लम हो, जरूर आप हमको कमेंट करिए, शेयर कीजिए अपना कुछ भी प्रॉब्लम, आप जरूर आपके ऊपर वीडियो बना देंगे, आपका जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर देंगे। और आप जिनमें भाइयों को, जो मेरे नए चैनल में जिनमें भाइयों को नाम भी लेना होगा, जैसे मेरे बहुत सारे भाई लोग हैं जिनका नाम भी लेना होगा मेरे वीडियो में, उनका भी नाम भी ले लूँगा, उनको मैं मेंशन कर दूंगा अपने वीडियो में नाम लेके। तो देख लीजिए ये मस्त रेडी है हमारा, आइए इसको बेस्ट में लगाते हैं। देखिए ये हमारा बेस आ गया, तो बेस हमेशा पानी जो है आपको रखना है थर्ड फ्लोर में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड लाइन जो होता है थर्ड लाइन में ही माया का बेस में पानी रखना है, ऊपर नहीं रखना है, नीचे भी नहीं रखना है, पूरा इक्वल रखना है। तो देख लीजिए माया का बेस है, और ये हम लगा दिए चिलम, और ये हमारा आ गया है कोल, जब देखिए दो पीस कोल लेना आपको, देखिए हमारा पाइप आ गया मस्त एकदम, पाइप माया का ही पाइप है, लेकिन देखिए लोकल वाला आता है, ये लोकल वाला है, ठीक है, ये थोड़ा पतला आता है, जिसका वजह से इसका जो सामने का जो फ्रंट का जो मुंह भी होता है, हम लोग जो वो जो होता है वो भी लकड़ी वाला, ये भी पतला आता है, तो ये थोड़ा लोकल टाइप का है, लेकिन फिर भी ये काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसको फेंकना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, पैसा वेस्ट नहीं होगा, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। बस थोड़ा सा डेंस कम आता है कैफे के मुकाबला में, तो कैफे में इसे बहुत कम ही रहता है, सब अच्छा माया का पाइप रहता है, इसको भी यूज कर सकते हैं। तो आइए लगाते हैं इसको, तो देखिए मस्त हमारा हुक्का रेडी है। तो आइए इसको हम लोग चेक करते हैं कैसा स्मोक आ रहा है, कैसा फ्लेवर आ रहा है, इसका रिव्यू देंगे आपको हम। तो आइए फटाफट चेक करते हैं। तो कटर हिंदी में भाई आपको नशा कम चाहिए फ्लेवर में, तो आपके लिए आ गया है वीडियो। और नाकी बागा मेरे भाई आप वो 3 पंग का मिक्सिंग चाहिए था, तो ये आपके लिए वीडियो आ गया है। और मेरा बहुत सारे भाई लोग हैं जो पूछ रहे थे, तो उनके लिए भी आ गया है 3 पंग का मिक्सिंग वाला फ्लेवर, पान का जो मेरे भाई को चाहिए पान का फ्लेवर, उनके लिए वीडियो है। तो चलिए ये चेक करते हैं कैसा बना है और कैसा इसका फ्लेवर आ रहा है।
तो आप देखिए ना कितना अच्छा ये आ रहा। चलिए इसका डेंस चेक करते हैं, डेंस कितना आ रहा है। तो इसका बेंस देखिए होंगे, अभी अभी तो बस जस्ट चिलम में फिर हम लोग ये कोल डाले ही हैं, तो डेंस अभी आ ही रहा है। तो दो दस मिनट बाद, पाँच मिनट बाद में तो इसका डेंस समझ सकते हैं कि आप डेंस कितना इसका अच्छा आएगा। तो गम का फ्लेवर इसलिए इसका डेंस अच्छा आ रहा है। तो आइए इसको देखते हैं। आइए अभी हम लोग ट्राई करेंगे घोस्ट, ठीक है। तो आइए घोस्ट बना के देखते हैं घोस्ट कैसे बनता है। तो आइए देखते हैं घोस्ट में कैसा आता है। तो अभी आप लोग दिखा दिए हम घोस्ट, ठीक है। तो आइए देखते हैं फोर होल कैसा इसका लगता है। देख लीजिए पूरा हम लोग का प्रॉपर रिंग आ रहा है, देख लीजिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक हम मुका एंजॉय करते हैं। और फिर से अब देख लीजिएगा मेरा वीडियो, सारा वीडियो होगा जितना मेरा नए मेरे भाई लोग हैं अभी तक मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो भाई थैंक यू। आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं और आप लोग को जुड़ने के लिए थैंक यू। आप लोग के लिए वीडियो है सब कुछ। तो और कुछ भी प्रॉब्लम होगा का तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, उससे वीडियो बना देंगे। आपका नाम भी लेना होगा, नाम भी ले लेंगे। और मेरा यूट्यूब शॉर्ट वीडियो भी आ गया होगा, फटाफट जाकर उसको भी चेक कर लीजिए। जिन मेरे भाइयों को शॉर्ट में सीखना है हुक्का तो आप शॉर्ट में देख सकते हैं। जिनको पूरा प्रॉपर हुक्का कैसे में कैसे बनता है सीखना है तो मेरा लॉन्ग वीडियो सारा वीडियो होगा, सारा स्क्रॉल करके देख लीजिएगा और आप लोग सीख जाएंगे। और ऐसा नॉलेज बहुत कम लोग यूट्यूब पे है जो फ्लेवर के बारे में, मिक्सिंग है कौन सा मिक्सिंग कितना फ्लेवर देना है। तो याद रखिएगा इस ये वाला फ्लेवर में तीन पान थोड़ा कम रखना आपको, बाकी मिंट और आपका जो ये तीन पान जो है, तीन पान और थोड़ा सा मिंट है, थोड़ा सा गम है, वो 50-50 रखना है, 50% रखना है वो लोग को, 50 वो 50 वो, बाकी आपका 5% आपको डाल देना है तीन पान का फ्लेवर। तीन पान कम रखना है, मिंट और गम जो है आपका 50-50 रख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 40-40 रख दीजिएगा, 80% हो गया, बाकी ये थोड़ा 5% रख दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा। तो चलिए बाय, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक हम उनका एंजॉय करते हैं। चलिए बाय।